नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर ओम बिरला की ताजपोशी हो गई। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले और कुछ नेताओं ने बहुत इनडायरेक्ट रूप में तंज भी कसे, नए अध्यक्ष को बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, संविधान याद दिलाने की कोशिश की, ये सब तो आपने देख ही लिया। लेकिन जवाब में ओम बिरला ने नए अध्यक्ष के रूप में इमरजेंसी की याद दिलाई, 2 मिनट का मौन रखवा लिया और संविधान का हत्यारा एक तरह से कांग्रेस को बता दिया, काला इतिहास बता दिया और शोर शराबा होता रहा। तो जिस ढंग से पूरा सदन चला, उससे शुरुआत में लगा कि सब कुछ बहुत ठीक है, सब कुछ सामंजस्य चल रहा है। देखिए, इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट ने अपना कैंडिडेट तो उतारा था, लेकिन करीब करीब वापस ही ले लिया था जब उन्होंने डिवीजन नहीं मांगा, मत विभाजन नहीं मांगा और ध्वनि मत से ही फैसला हो गया कि ओम बिरला स्पीकर रहेंगे। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रधानमंत्री आते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी दोनों हाथ मिलाते हैं, दोनों आसन तक लेकर जाते हैं, फिर तारीफों के पुल और विश्वास का प्रकट करने का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन फिर राहुल गांधी ने ये कह दिया कि जो सत्ता में है वो पॉलिटिकल पावर है, लेकिन जो विपक्ष में है वो जनता के आदेश से है, वो जनता का विश्वास है। जनता ने विश्वास अपोजिशन में भी व्यक्त किया है कि वो संविधान की रक्षा करेगा अपोजिशन, और हम संविधान की रक्षा करेंगे। पहले भी पिछले 2 दिन में संविधान की किताब छाती रही है लोकसभा के अंदर। और राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि एक तरह से कि सदन को विश्वास में लेकर चलना जरूरी है, हमारी तरफ भी तवज्जो दे, विपक्ष की तरफ भी स्पीकर साहब का ध्यान देना चाहिए। इनडायरेक्ट रूप में उन्होंने पिछले 5 साल के कार्यकाल की कुछ कुछ याद दिलाई, जो अखिलेश यादव ने और जोर से याद दिलाई। उनका ये कहना था और कुछ और लोगों ने भी कहा कि बहिष्कार जैसा पिछली बार 67 सांसदों का एक दिन में कुल मिलाकर 70-80-100 विधायक सांसदों का बहिष्कार बहिष्कृत कर दिया गया था, सदन से निकाल दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और संविधान की पालना होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने तो यहाँ कह दिया कि सदन आपके इशारे पर चलना चाहिए, इसका उल्टा नहीं होना चाहिए। और ये भी कह दिया कि जितना सम्मान विपक्ष सत्ता पक्ष को दिया जाता है, उतना सम्मान सत्ता पक्ष की जगह विपक्ष को भी दिया जाना चाहिए। तमाम बातें कही गई और ओम बिरला मुस्कुराते रहे, सुनते रहे। और उसके बाद जब उनकी बारी आई तो उन्होंने इमरजेंसी की याद दिलाई, 1975 25 जून को जो इमरजेंसी लगी थी, फिर कहा ये काला अध्याय था, संविधान में भी बदलाव कर दिया गया था, बाबा साहब के संविधान से छेड़छाड़ की गई थी और लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था, मीडिया का गला घोट दिया गया था, स्वतंत्र जो निकाय हैं उनका संस्थाएं हैं उनका गला घोट दिया गया था। और 2 मिनट का मौन भी उन्होंने रखवा लिया और विपक्ष के तेवर कड़े नजर आए, शोर शराबा होता रहा, हल्ला गुल्ला होता रहा, लेकिन चीज़ें चलती रहीं। अखिलेश यादव ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आपके पीछे की सदन स्पीकर से कहा कि आपके पीछे की जो दीवार है उसमें दरार दिख रही है, उसमें सीमेंट भरे जाने की ज़रूरत है, कुछ इस तरह की बात कही। और आगे कहा कि मैं तो इस सदन में नया नया आया हूँ, यहाँ तो जो स्पीकर का आसन बहुत नीचे है और पिछले सदन में तो स्पीकर का आसन ऊंचा हुआ करता था। बिरला जी समझ गए कि क्या कहना चाह रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन थोड़ा मुस्कुराते रहे, वो थोड़ा सा रिएक्शन भी दिया, लेकिन वो आवाज़ पर दबकर रह गई। अखिलेश यादव ने अपना भाषण जारी रखा और कहा कि मैं चाहता हूं कि ये आसन ऊंचा हो, नई ऊंचाई ग्रहण करें। नई ऊंचाई आप कैसे ग्रहण कर सकते हैं जब आप संविधान के हिसाब से चलेंगे, जब विपक्ष का ध्यान रखेंगे, जब माइक ऑफ नहीं किए जाएंगे, जब निलंबन पिछली बार जैसा सांसदों का नहीं होगा, बात रखने की बहस की पूरी अनुमति दी जाएगी। तो कुल मिलाकर आज जिस ढंग से सुबह से लेकर दोपहर तक का सिलसिला चला, उससे बिल्कुल साफ है। और जैसे एंड हुई, लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित किया गया, कल राष्ट्रपति का संयुक्त सत्र में अभिभाषण होगा, उससे बिल्कुल साफ है कि तलवारें खिंची हुई हैं,
ऊपर ऊपर का जो ड्रामा था वो सब पूरा हो गया और अब असली मयानों तलवारें मयानों से बाहर आ गई हैं, खिंची हुई हैं और बड़ा कड़ा संघर्ष होने वाला है। सदन चलाना कोई आसान काम नहीं रहने वाला है। उल्टा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बन गए हैं, पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन का सामना मोदी सरकार को और स्पीकर को भी करना पड़ेगा और लीडर ऑफ अपोजिशन को जो कुछ परंपराओं के हिसाब से जो कुछ दिया गया है, अधिकारों के हिसाब से दिया गया है, उसकी पालना नहीं हुई तो हंगामा होगा। अगर इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट ने जो उनके पास पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा सांसदों का समर्थन है उसका बेजा इस्तेमाल किया तो ज़्यादा हंगामा होगा। इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के लिए, राहुल गांधी के लिए ज़रूरी है कि धुरी कांग्रेस बनी रहे, लेकिन इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के जो बाकी धड़े हैं उनको भी संतुष्ट किया जाए। खास तौर से अखिलेश को तो नाराजगी नहीं दिखेगी मुझे लगता है, लेकिन ममता जरा जरा सी बात पर नाराज हो सकती हैं। कल भी उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आ ही गया था कि भाई स्पीकर के लिए उम्मीदवार खड़ा करना है, उस पर उनकी सहमति नहीं ली गई या उनसे कंसल्टेशन नहीं किया गया। एक बड़ी बात है कि कल जब इतना शोर शराबा हो रहा था, इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को अपना एक लोकसभा के लिए उम्मीदवार उतारना था, तो फिर वो वोटिंग क्यों नहीं कराई? इसके तीन वजह बताई जा रही है। एक तो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट चाहता था कि जनता के बीच में ये मैसेज नहीं जाए कि वो बात बात पर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करना चाहता है, सरकार को कामकाज करने देने में, सरकार का कामकाज सुचारू रूप से चले इसमें कोई व्यवधान पैदा करना चाहता है। ये भ्रम उन्होंने जनता के दिमाग से निकालने की कोशिश की कि हम तो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं। जनादेश यह है कि एकजुट मजबूत विपक्ष हो जो सत्ता पक्ष को चेक एंड बैलेंसेस के हिसाब से कंट्रोल में, नियंत्रण में, लोकतांत्रिक तरीके से रखने की कोशिश करे, तो हम उसी फर्ज को निभा रहे हैं। दूसरा, मत विभाजन होता, वोटिंग होती तो पता लग जाता कि किसके साथ कितने हैं, इससे शायद बचना चाह रहे थे, क्योंकि मोदी जी की तरफ से 100% ये कोशिश हुई होगी कि 293 का जो आंकड़ा उनके साथ है वो कम से कम 10 तो उसमें बढ़ ही जाए, 300 तो पार बढ़ ही जाए, 4 तो वैसे ही बढ़ गए थे जो YSR के ने कह दिया था, जगनमोहन रेड्डी ने, कि उनके सांसद NDA का साथ देंगे। और उधर क्या इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को डर था कि उनके यहां से कुछ लोग अगर छटक गए तो खामखा बदनामी हो जाएगी, तो और बाकी मौके और भी कहीं आएंगे, अभी सिर्फ डराया गया थोड़ा सा कि देखिए विश्वास मत, अब आपने अभी भी हासिल नहीं किया है और आपका जो स्पीकर है अगर वो चुनकर आता तो मोदी जी की पार्टी और NDA इस बात पर एतराता कि देखिए हमने हरा दिया इंडिया को हरा दिया, इतने सीटों से हरा दिया, इतने वोटों से हरा दिया। स्वाभाविक है कि अंतर 50-60 वोट का तो कम से कम 60 वोटों का तो अंतर होना ही चाहिए था। अगर ऐसा होता तो वो मौका शायद इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट NDA को नहीं देना चाहता था, क्या ये वजह है इसकी? लेकिन जिस ढंग से स्थगित हुई कार्रवाई और जिस ढंग से वो इमरजेंसी को लेकर प्रस्ताव लाया गया, वो स्वाभाविक है कि सब जैसा लग रहा था कि रिटर्न स्क्रिप्ट है। सत्ता पक्ष को भी पता था कि राहुल गांधी अटैक करेंगे, तंज कसेंगे, उन विपक्षी दल भी तंज कसेंगे, अपना प्रभाव जताने की कोशिश करेंगे, इनडायरेक्ट रूप में ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए अब हम कमज़ोर नहीं हैं, अब लोकसभा अध्यक्ष को हमारी तरफ भी देखना पड़ेगा, हमें भी तवज्जो देनी पड़ेगी, नहीं तो हम सदन नहीं चलने देंगे, हमारी ताकत इतनी है। तो इस ताकत का एहसास अगर इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट अपने भाषणों के जरिए कर रहा था तो NDA भी समझ रहा था कि इस ताकत का अभी से अभी जवाब देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी है और इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष को ही आगे किया गया। शायद उनको सबसे बेहतर लगा होगा कि इस आज की तारीख में, आज जब पूरा टाइम लोकसभा के नए अध्यक्ष पर ही व्यंग बाण कसे गए, थोड़ा तंज भी कसा गया, थोड़ा व्यंग भी कसा गया, थोड़ा उनको बार बार हर आदमी ने कर्तव्य, हर सांसद ने कर्तव्य, नियम कानून परंपराएं, आसन का महत्व, ये सब संवैधानिक पद की उपयोगिता, ये सब समझाने की कोशिश की, तो उस पर शायद नहले पर दहला मारा ओम बिरला ने। NDA की तरफ से कहा जाए तो नहले पर दहला मारा और इंडिया की तरफ से माना जाए कि तो सत्ता पक्ष ने ये गलती कर दी, मौका दे दिया विपक्ष को और कल से सदन और ज़्यादा हंगामेदार हो सकता है और ये बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। शुक्रिया मुझसे जुड़े रहने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेंबरशिप ड्राइव में आप जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। X यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ।
फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।